Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to solve hang problem. दोस्तों अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग या लैग कर रहा है, डिस्प्ले अड़क अड़क के चलते हैं, तो उसे ठीक करने का पूरा 100% सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। नंबर वन, फ़ोन रिस्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आप अपना फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए, इससे फ़ोन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। फिर हम सारे सेटिंग्स चेंज करेंगे। रिस्टार्ट करने के लिए ऊपर से क्विक पैनल ओपन करेंगे, यहाँ पावर बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद रिस्टार्ट करना है। फ़ोन रिस्टार्ट करने से थोड़ा फास्ट हो जाता है। नंबर टू, एनिमेशन एंड ब्लर इफेक्ट। दोस्तों डिस्प्ले एनिमेशन एंड बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट को रिमूव करना होगा। यहाँ सेटिंग्स में जाइए, इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाना है, इसके बाद एक्सेसिबिलिटी में जाइए, विजन एनहांसमेंट में जाइए, फिर यहाँ से एनिमेशन को रिमूव कर दीजिए, इसके बाद ब्लर इफेक्ट को भी रिड्यूस कर दीजिए। दोस्तों इससे आपका फ़ोन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। नंबर थ्री, डिवाइस ऑप्टिमाइज। डिवाइस में रैम स्टोरेज को जितना हो सके खाली रखने की कोशिश कीजिए। रिसेंट ऐप लिस्ट को ओपन करके टाइम टू टाइम क्लोज करते रहिए, इससे रैम स्टोरेज खाली होगा और आपका फ़ोन स्मूथ चलने लगेगा। इसके अलावा फ़ोन के अंदर कोई फालतू की एप्लीकेशन इंस्टॉल ना रखें। जिन एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत है उन्हें छोड़कर बाकी सभी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दीजिए। होम स्क्रीन पर या ऐप लिस्ट ओपन करके जिन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उसके ऊपर लॉन्ग टैप करें, फिर अनइंस्टॉल कर दीजिए। इस तरीके से जो सिस्टम अब अनइंस्टॉल नहीं होगा उसे डिजेबल कर सकते हैं। इससे इंटरनल स्टोरेज भी खाली होगा और आपका फ़ोन फास्ट चलने लगेगा। दोस्तों फ़ोन को और भी ऑप्टिमाइज करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाना है। नेक्स्ट डिवाइस केयर में जाइए, यहाँ से अपना डिवाइस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जब आपको लगेगा कि फ़ोन लैग कर रहा है, यहाँ आके टाइम टू टाइम फ़ोन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों आपके फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज कम से कम 20% खाली रखना होगा। फ़ोन डेली इस्तेमाल करने से इसका स्टोरेज भरने लगते हैं। यहाँ स्टोरेज में आपको कहाँ कितना मेमोरी यूज़ हुआ है उसका फुल डिटेल्स देखने को मिलती है। उस हिसाब से आप फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज खाली कीजिए। अनयूज्ड ऐप में अगर कोई एप्लीकेशन पड़ा रहेगा तो उसे सिलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब बैक आइए, इसके बाद मेमोरी पे क्लिक करें। दोस्तों यहाँ क्लीन नाउ पे टैप करके रैम मेमोरी को डीपली क्लीन कर सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर कोई एप्लीकेशन रैम स्टोरेज ले रहा है तो उसे क्लोज कर देगा। दोस्तों इस डिवाइस में रैम स्टोरेज बढ़ाने का एक शानदार फीचर्स दी गई है। अगर आपके डिवाइस में इंटरनल स्टोरेज खाली है तो आप उस स्टोरेज को वर्चुअल रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ 2 GB से लेकर 8 GB तक वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं। कितने GB ऐड करेंगे वो सिलेक्ट करके फोन को रिस्टार्ट कीजिए, फिर आपके डिवाइस पर वर्चुअल रैम ऐड हो जाएगा। ये डिवाइस की स्पीड बढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर फोर, बैकग्राउंड लिमिट। दोस्तों फ़ोन की बैकग्राउंड में कई सारे एप्लीकेशन अपने आप चलते रहते हैं, इससे बैटरी जल्दी ड्रेन होता है और फ़ोन की परफॉर्मेंस कम कर देते हैं। इसे बंद करने के लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए, इसके बाद सर्च बार पे फाइंड करें बिल्ड। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद बिल्ड नंबर के ऊपर 7 times लगातार क्लिक करना है। कॉन्फर्म पिन में स्क्रीन लॉक का पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करें, फिर आपके डिवाइस पर डेवलपर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अब फिर से सर्च बार पे फाइंड करें बैकग्राउंड। अब नीचे की ओर जाके इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों डेवलपर ऑप्शन के अंदर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट सबके लिए स्टैंडर्ड सेट रहते हैं। इसका मतलब बैकग्राउंड में कोई भी ऐप उसकी मर्जी से चलते रहेगा और आपका फ़ोन स्लो कर देगा। इस ऑप्शन से चेंज करके एटमोस्ट 2 प्रोसेस सेट कीजिए, मतलब बैकग्राउंड में एक साथ मैक्सिमम 2 एप्लीकेशन ही चल सकते हैं। नंबर फाइव, फ़ोन अपडेट। कई बार फ़ोन अपडेट करने से हैंग प्रॉब्लम शुरू होता है। क्या आपने हाल ही में अपना फ़ोन अपडेट किया है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपका फ़ोन अपडेट के बाद लैग कर रहा है तो अगली अपडेट का इंतजार करें। हो सकता है कि इस अपडेट पैक में कोई इशू था जो अगली अपडेट में फिक्स हो सकते हैं। नंबर सिक्स, फ़ोन रीसेट। कई बार फ़ोन में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन लैग करने लगते हैं। अब एक बार अपना फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कीजिए। इस फ़ोन को कैसे रीसेट करना है उसका पूरा ट्यूटोरियल हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फ़ोन रीसेट करने से पूरा नया जैसा बन जाएगा और लैग प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। नंबर सेवन, सर्विस सेंटर। दोस्तों इन सभी सेटिंग्स को फॉलो करने से हैंग प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका लैग खराब है तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। इस डिवाइस में जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसके वजह से भी फ़ोन हैंग कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन को सर्विस सेंटर ले जाइए और टेक्नीशियन से बात कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।